प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दमालू और मुंगौरा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामग्री बता देते हैं। दमालू के लिए हमने आलू को उबाल लिया है, अभी इनका छिलका उतार देंगे। और ये तड़का लगाने के लिए अदरक है, अदरक का छिलका उतार के महीन बारीक काट लेंगे। 1 चम्मच जीरा है, काली गोल मिर्च है 8-10 दाने, 2 लौंग है, 2 लाल तीखी मिर्च डाल रहे हैं। अगर आप ज्यादा तीखी पसंद करते तो और भी मिर्च डालिए। दमालू में 1 बड़ा चम्मच दमालू मसाले डालेंगे, हमने इस तरीके का दमालू मसाला ले लिया है 1 बड़ा चम्मच। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। दमालू में थोड़ा हरा मटर डाल देते हैं, ये फ्रीजर मटर है। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे दमालू में। थोड़ा तेज पत्ते ले लिए हैं दमालू के लिए। और मुंगौरा के लिए ये दाल मूंग की दाल है, इनको हम भिगो दिए थे 5-6 घंटे, बढ़िया से फूल चुका था तो इनका छिलका उतार दिए हैं। अब इनको मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखिए, नजदीक से दिखाते हैं, बढ़िया तरीके फूल चुकी है। और मंगौरा में डालने के लिए हमने ये लहसुन की कलियां, काफी ढेर सारा लहसुन की कलियां ले लिए हैं, इनका छिलका उतार दिए हैं। 1 चम्मच सौंफ ले लिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा, 10-15 काली गोल मिर्च ले लिए हैं, इनको मूंग की दाल में पीसेंगे। और ये रिफाइंड ऑयल है, इससे अभी मंगौरा छानेंगे। तो आइए आलू को सबसे पहले छील लेते हैं और अदरक को बारीक काट लेते हैं छिलका उतार कर। ये हमने गैस जला दिया, कढ़ाई भी रख दिए हैं। अदरक का छिलका उतार कर इस तरीके महीन काट लिए हैं, थोड़ा इनको ओखली में कूट लेते हैं। ये देखिए ओखली है, ये अदरक डालें, काली गोल मिर्च डालेंगे, अब इनको कूट लेते हैं। ये हमने कूट लिया है थोड़ा दरदरा, कढ़ाई भी काफी गर्म हो चुकी है। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। गैस को फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि जल्दी गर्म हो तेल। तेल काफी गर्म हो चुका है, ये अदरक और काली गोल मिर्च डाल देते हैं। जीरा डाल देंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच, लाल तीखी मिर्च डाल देते हैं 2 टुकड़े करके। गैस को फ्लेम थोड़ा लो कर देते हैं। जीरा बढ़िया तरीके से चटक चुका है। अब हम आलू डाल देंगे। आलू को इस तरीके फोड़ देते हैं। तभी आलू हमने फोड़ दिया है। दमालू मसाले डाल देंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे मसाले को। गैस को फ्लेम मीडियम कर देते हैं। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब पानी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, कम ज्यादा। जैसे रसेदार बनाना चाहते हैं तो पानी बढ़ा दीजिए, गाढ़ी पसंद है तो पानी कम कर दीजिए। हम यहाँ मीडियम साइज में बनाएंगे, वैसे भी अगर रसे ज्यादा लगे तो आप गैस का फ्लेम हाई करके जला दीजिए रसे को, गाढ़ी हो जाएगी। अब आइए इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। गैस का फ्लेम हाई है ताकि जल्दी उबाल आ जाए, तभी हम इसमें अमचूर पाउडर और हरी मटर डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए बढ़िया से उबल रही है। अब इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं। ये मटर डाल देते हैं इस तरीके। इनको 5 से 5-6 मिनट तक और पकाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि बढ़िया से पके। आइए तब तक पीस लेते हैं मंगौरा दाल और लहसुन की कलियां। ये हमने मिक्सी जार लिया, लहसुन की कलियां, काली गोल मिर्च, सौंफ, जीरा, इन सभी को एक बार में डाल देते हैं। अब इनको पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरीके हमने पीस लिया है। अब यही में मूंग की दाल पीस लेते हैं। दाल हम इस तरीके पीसेंगे, इस तरीके पानी निकालेंगे। इस तरीके सभी दाल हम पीस लेते हैं। ये देखिए बढ़िया तरीके से पीस चुकी है। इनको निकाल लेते हैं थाली में और इन सभी दालों को पीस लेंगे। दाल हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अभी इनको बाद में मिलाएंगे, आइए दमालू की तरफ चलते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए नजदीक से दिखाते हैं, दमालू बनके तैयार हो गया है। ऊपर तेल आ गया है दमालू में से, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब मंगौरा बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने गैस जलाया, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे, तब तक नमक मिला लेते हैं मूंग की दाल में बढ़िया तरीके से। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, इसमें नमक भी बढ़िया तरीके से इस तरीके हमने हथेलियों से मिला लिया है। आइए अब इनको छानते हैं। इस तरीके छोटी छोटी पकौड़ियां बनाएंगे। आइए इनको पलट देते हैं, थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए
इनको बढ़िया तरीके से चारों तरफ पका देंगे सुनहरा कलर तक। ये देखिए कलर चेंज हो गया, नजदीक से दिखाते हैं। अब इनको निकाल लेंगे, सुनहरा कलर हो गया है। इसी तरीके सभी मंगौरे बना देंगे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ये देखिए कलर चेंज होने लगा है, आइए इनको कलर देते हैं। आप मंगौरा में मंगरायल भी डाल सकते हैं, हम मंगरायल नहीं डाल। ये देखिए बढ़िया सुनहरा कलर, इनको निकाल लेते हैं। बढ़िया से हमने पका लिया है अंदर तक। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, आइए अब सर्व करते हैं। इसी तरीके इनको भी अभी कुछ देर में छान लेते हैं, पहले बच्चों को सर्व कर देते हैं, बच्चों खाएं इसको। ये हमने मंगौरा बना लिया है और ये दमालू है। ये देखिए कितना बढ़िया दमालू बनके तैयार हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।